अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में यार बसंत है, क्योंकि यार एक तो मैंने जाना था फैसलाबाद, और फैसलाबाद वाले मनाते हैं यार। इस दफ़ा उन्होंने बड़े इत्मीनान से मनाई थी। उमर अभी बताता है कि क्या सीन है वहाँ पे। और यहाँ पे सीन ये है कि यार एक तो लोगों को ज़्यादा टाइम ही नहीं होता, और यहाँ पे बहुत कम ही लोग होते हैं जो यहाँ पे उड़ाते हैं गुड्डी। वैसे तो यार यहाँ पे रोज़ ही लोग उड़ा रहे होते हैं जस्ट फॉर फन, लेकिन जो बसंत है वो बसंत है। क्योंकि पहले यार मैं बसंत मनाता था अंदरून शहर में मनाता था, क्योंकि मेरा नानों का घर उस साइड पर था। अब यार ये सीन है कि अब वहाँ पर गढ़नी है, और लेकिन वहाँ पर जो बसंत होती थी ना, इतनी वो नेक्स्ट लेवल की थी कि पूरा ना आसमान ना गुड्डों से बड़ा होता था। सीधी सीधी बात, अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन चलो कल्चर है और ज़रा शुगर है तो फिर मनाना तो है ना। अंदरून शहर में ना लोग बड़े ही सारा दिन छतों पे, और इधर से म्यूज़िक, इधर से म्यूज़िक, उधर से शोर। और यार वहाँ पे सीन ये था कि लोग सारी सारी रात भी होते थे, दिन को ज़रा डार्क कलर के गुड्डे उड़ते थे और रात को ज़रा लाइट कलर के गुड्डे उड़ते थे। लेकिन मेरे मामू में से एक मामू हैं, वो ना रात के टाइम काला गुड्डा उड़ाते थे। काला गुड्डा एक तो नज़र नहीं आता था, और ना बाकी गुड्डियों को काट देता था। तो बड़ा यार वहाँ पे भी शुगर लगा हुआ है, क्योंकि यार मैं तब था बहुत छोटा, इतने अरसे के बाद बसंत का थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर से उन्होंने फिर बंद कर दी। लेकिन बड़े बहुत ही टाइम के बाद अब यार गुड्डी उड़ानी है, तो देखो उड़ती भी है कि नहीं उड़ती। तब तो मुझे उड़ानी आती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ी बहुत देखी है, फ्रेंड्स वगैरह सीखी है। ये बैकग्राउंड ब्लर देख रहे हो, यहाँ पे भी बैक साइड पर सारा ब्लर हो रहा है। ये फोन का है, सोचा बता दूं। ये वीडियो मैं हारिस के लिए बना रहा हूं, क्योंकि आज बसंत ही यहाँ पे उसने आना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो नहीं आ सका। तो मैंने कुछ क्लिप्स बनाई हैं, तो यहाँ का ट्रेंड कैसा है बसंत का फैसलाबाद में, तो उतनी देर आप वो देखें। You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling.